गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे जो हमारा काव्य है सबसे खतरनाक, इसका भावार्थ थोड़ा बहुत हमने साहित्यकार की भी चर्चा यहाँ पे की थी। इंसान इंसान के लिए किस तरह से यहाँ पे मुसीबतें खड़ा करता है, एक इंसान दूसरे इंसान की किस तरह से जान ले लेता है, ये सब बातों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले मैंने आपको भावार्थ में बताया था कि जो क्रूर और अत्याचार ये जो हो रहा है संसार में, ये जो खौफनाक स्थिति है, ये स्थिति आगे चलकर मतलब कितनी भयानक साबित होगी, इसके बारे में यहाँ पे उसके ऊपर साहित्यकार ने जो है ये काव्य लिखा है। काव्य की शुरुआत करते हैं बच्चों। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, अर्थात पहली पंक्ति में यहाँ पे कवि ने बताया है कि अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, एक महीना खूब मेहनत करता है, 10 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से मेहनत करके अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई होती है, अगर उसकी ये जमा पूंजी कोई चोरी करके ले जाए तो भी वो सबसे खतरनाक नहीं होता, ऐसा कवि कहते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, किसी इंसान के मेहनत के कमाए हुए पैसों की अगर लूट हो जाए तो वो सबसे खतरनाक नहीं होता। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, कवि ने कहा है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस अगर हमें मारती है तो उसकी मार भी यहाँ पे सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, अगर हम किसी के साथ गद्दारी करते हैं, लोभ करते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो यहाँ पे कवि ने भी उसको सबसे खतरनाक नहीं कहा है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, कवि ने कहा कि अगर हम कुछ ऐसा बुरा काम करें तो बैठे बिठाए हमें कभी कभी क्या बड़े बड़े सपने देखने की आदत है, हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत ही कभी कभी बहुत ही छोटा रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कहा कि बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, अगर हम कुछ करें या ना करें लेकिन फिर भी अगर हम पकड़े गए तो ये भी तो बुरा माना जाता है, लेकिन सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप यानी किसी इंसान के ऊपर अगर उसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई गरीब कोई मजलूम इंसान होता है उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है और वो देखकर हम सहम के चुप हो जाते हैं तो वो बुरा है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। ये दोनों चीज़ें, ये पांचों चीज़ बताई, मेहनत की किसी की लूट अगर चली जाए, पुलिस की मार पड़े, कोई गद्दारी करे, लोभ करे, छल प्रपंच करे, बैठे बिठाए हम बड़े बड़े सपने देख ले और उसको साकार करने के पीछे चले जाए, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप से उसको देखते रहे, निहारे, ये पांचों चीज़ें सबसे खतरनाक नहीं होती। तो कौन सी चीज़ें सबसे खतरनाक है वो हम देखते हैं। कपट के शोर में सोती हुई भी दब जाना बुरा तो है, यहाँ पे क्या क्या बुरा है वो सब बताया गया है। अब कपट के शोर में सोती हुई भी दब जाना बुरा तो है, लेकिन यहाँ पे संसार में कोई छल प्रपंच करने वाला कोई कपटी इंसान है, ये कपटी इंसान बार बार अपना छल प्रपंच और कपट दिखाता रहता है और हम उसको बर्दाश्त करते रहते हैं तो हम खुद भी यहाँ पे बुरे कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया ना कि कोई इंसान अत्याचार करता है और अत्याचार करने से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला यहाँ पे अपराधी कहा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो इंसान छल कपट करता रहता है, बार बार छल कपट करता रहता है फिर भी हम चुप रहते हैं, सहमे से रहते हैं, तो ये बुरा है। किसी जुगनू की ली में लो में पढ़ना बुरा तो है, मुठ्ठियाँ बीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, अर्थात यहाँ पे इंसान जो है उसके ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत परेशान दुखी होता है, तब एक जुगनू की तरह एक छोटी सी राह उसको दिखाई देती है और उस राह पे अगर वो चुपचाप मुट्ठी बंद करके अपने उस जीवन की राह पे चलने लगता है तो ये समझ लो कि बुरा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल कौन सा, कि जैसे कि हम सब साथ में जाते हैं कहीं पे और हमें मुनाफा होना होता है तो हम चुपचाप रहते हैं कि हाँ हमें दूसरों के साथ अच्छा हुआ कि नहीं, मुझे मुनाफा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे वही देखना है, दूसरों को फ़ायदा हुआ कि नहीं देखना वो हमें नहीं देखना। तो यहाँ पे उसकी बात, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुठियाँ बीच कर बस वक्त निकालना बुरा तो है,
काम नहीं करना, बिंदास आराम से बैठे रहना, मुफ्त की रोटियां तोड़ना, ये भी तो बुरा कहा जाता है। लेकिन बुरा होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। बुरी कौन कौन सी बात होती है वो उन्होंने यहाँ पे बताई है, लेकिन खतरनाक कौन सी बात है वो काव्य के एंड में आएगा। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। अर्थात सबसे खतरनाक उन्होंने बताया है, देखो सबसे खतरनाक क्या होता है, मुर्दा शांति से भर जाना। जीते जी इंसान कभी मुर्दों के समान बन जाता है। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है उन्होंने बताई। हम इंसान हैं, हम जीवित हैं, हम क्रियाएं कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम में सहन शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंसान मुर्दों की तरह है, चुपचाप है, कुछ कर नहीं रहा, उसका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भी वो देख रहा है। तो ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। न होना तड़प का सब सहन कर लेना, मतलब यहाँ पे हम सब कुछ बर्दाश्त चुपचाप करते रहते हैं, ये कहाँ की इंसानियत है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो, क्यों मुर्दों की तरह शांत पड़े हुए हो। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। इंसान सपने देखते हैं और फिर मेहनत करते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इंसान काम करने के लिए घर से निकलता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, काम से वापस थका हारा घर पर लौट कर आता है। लेकिन उसके सबसे खतरनाक क्या होते हैं, उसके सपने। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर हमारे माता पिता के सपने, जैसे हमारे सपने होते हैं वैसे उनके भी होते हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो हमारे सपने की पूर्ति के लिए वो अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं। ऐसी छोटी छोटी कितनी वस्तु होगी जिसकी हमारे माता पिता ने कुर्बानी की होगी और हमारी खुशियाँ पूरी की होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे के जो काव्य की है वो शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।